हाय गाइज, अपनी हर बड़ी एक्सक्लूसिव खबरों के लिए ए टू जेड न्यूज लाइव चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, साथ में बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा लोकप्रिय चैनल ए टू जेड न्यूज लाइव और हम हाजिर हो गए हैं अब तक की तमाम टॉप खबरों के साथ। देश आज भगवान विश्वकर्मा की पूजा में लीन है। देश के हर कोने कोने से भगवान विश्वकर्मा की पूजा धूमधाम से मनाए जाने की खबर मिल रही है। सबसे ज़्यादा ध्यान और श्रद्धा भक्ति का माहौल बिहार, झारखंड और यूपी में देखा जा रहा है। घर घर में भगवान विश्वकर्मा की पूजा की धूम है। अपने 3 दिवसीय दौरे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। बताया जाता है कि वे राजनीतिक दृष्टिकोण से भी दिल्ली आए हैं। हालांकि पार्टी सूत्रों का बताना है कि वे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से भी मुलाकात करें। राजधानी पटना में ट्रेनी जवान के रूप में करीब 250 से ज़्यादा महिलाओं को लगाया गया है, जिन्हें सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया है। सबसे ज़्यादा परेशानी टॉयलेट को लेकर हो रही है। महिला पुलिसकर्मियों का बताना है कि इस तरह से असुविधा से लगातार उनमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम पार्टी की बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा 20 सीटों पर चुनाव लड़ने संबंधी घोषणा पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि मांझी अगर चाहें तो सभी 40 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना शहर में प्रदूषण का टेंशन अभी सामान्य से ज़्यादा है। हालांकि इसमें बिहार के भागलपुर तथा मुजफ्फरपुर में प्रदूषण के टेंशन में सुधार आया है। बताया जाता है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने 16 सितंबर को इस मामले में एक सर्वे कराया। सर्वे जांच रिपोर्ट के बाद उन्होंने इस तरह की जानकारी की पुष्टि की है। बाणसागर डैम में अब पानी की स्थिति नियंत्रित है, जिसके कारण मध्य प्रदेश अब बिहार की सोन नदी में पानी नहीं छोड़ेगा। बिहार सरकार ने पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार से इस संबंध में बातचीत की थी तथा अनुरोध किया था कि सोन नदी में पानी नहीं छोड़ा जाए। बताया जाता है कि सोन नदी में जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बढ़ता जा रहा था तथा बिहार के मनेर समेत कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति थी। लोगों में लगातार परेशानी बढ़ती जा रही थी, जिस पर सरकार मध्य प्रदेश में गढ़वाल समाज ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संभावित कार्यक्रम के मद्देनजर भव्य स्वागत कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया। वहीं समाज के वीर सपूतों के याद में शहीद द्वार बनाने संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। पटना के बेहटा में सोलर लाइट सिस्टम पिछले कई महीने से खराब है, जिसके कारण यहां लगातार सड़क दुर्घटना होती रहती है। जाप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रजनीश तिवारी ने बताया कि पटना को औरंगाबाद से जोड़ने वाली मुख्य पथ में बेहटा के पास तमाम सोलर लाइट खराब है, जिस पर आंदोलन की चेतावनी दी है। यह थी अब तक की टॉप खबरें। आप गांव से शहर तक, देश और दुनिया की तमाम एक्सक्लूसिव और बड़ी खबरों के लिए कभी भी लोकप्रिय चैनल ए टू जेड न्यूज लाइव को फॉलो एवं सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार। हेलो दोस्तों, गांव से शहर तक की हर बड़ी व एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप अपने पसंदीदा चैनल a2zneuslive.com लाइक, शेयर एंड फॉलो करें।